लीगल रिपोर्टर के खास कार्यक्रम लीगल लीजेंड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम बड़े वकीलों और जजेस का सीधे तौर पर इंटरव्यू दिखाते हैं और वो तमाम ऐसी बातें जो उन्होंने अपने लीगल प्रोफेशन के दौरान अनुभव लिया है। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी बिहार से चलकर और दिल्ली पहुंचे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी से हो रही है, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे यूपीए सरकार में और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। विकास जी, हमारे कार्यक्रम लीगल लीजेंड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत करना चाहूँगा आपकी प्राइमरी एजुकेशन से। कहाँ रहा सीतामढ़ी का वो सफ़र और 30 साल सुप्रीम कोर्ट में, ये कहाँ कैसे शुरू? देखिए, मेरा तो लीगल प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में दूर दूर से कोई लॉयर नहीं है, ना कोई जज है। तो इसलिए पढ़ाई मेरी पूरे इंडिया में हुई, क्योंकि पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो देहरादून में भी पढ़े, दिल्ली में भी पढ़े, पटना में लेकिन ज़्यादा पढ़े हम, पटना सेंट माइकल्स हाई स्कूल में। पटना में मेरी दोस्ती हुई जितेंद्र सिंह से, जिसके फादर वहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो उसके उस दोस्ती में मेरे को लीगल प्रोफेशन के बारे में देखने को मिला बड़े करीबी से, और उनके घर जाते थे, देखते थे किस तरह का वहाँ एक माहौल होता है, और मेरे को लगा कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक होगा। तो उसी समय से डिसाइड किया कि मैं वकील बनूँगा। वकालत जब पढ़ रहे थे तो नौकरी मिल गई बहुत जल्दी, 20 साल की उम्र में। उस समय स्टील अथॉरिटी में ही सिर्फ नौकरी मिलती थी, और किसी में सब में 21 होना ज़रूरी था, आईएएस में भी 21, बैंक में भी 21, 20 में सिर्फ आप स्टील अथॉरिटी में अप्लाई कर सकते थे। तो 20 साल में अप्लाई किया, मिल गई नौकरी। तो पिताजी ने कहा कि कुछ दिन कर लो, अभी वकालत जब तक बचा है तो नौकरी भी कर लो, जब तक नौकरी वकालत साथ साथ चल सकती है। और नौकरी जब करने लगे तो थोड़ा सा एक कम उम्र में नौकरी मिल जाए तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, आदमी पावरफुल हो जाता है। तो उस चक्कर में फिर वो कुछ साल ज़्यादा काम कर लिया मैंने, उतना मेरा इंटेंशन नहीं था काम करने का कभी। 1983 में आपकी वकालत, 83 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से का वकालत कम्प्लीट की, 83 में। 90 में, 89 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया आसाम, 88 में आसाम में। फिर तब तक मेरे पिताजी रिटायर कर गए थे, दिल्ली में हमारा घर था, वो रहने लगे, और मेरे को लगा मैं किराए के घर में पूरा दुनिया दिल्ली इंडिया घूम घूम के अपना वकालत अरे नौकरी करूं, और अपना घर रहते हुए और जो मेरी मंशा थी मैं करूं, वो छोड़ दिया था मैंने। तो फिर एक बार तिरुपति का दर्शन किया 89 के अक्टूबर में, कहीं वहीं से प्रेरणा आई, और 89 के नवंबर में ही सामान वान बांध के चला आया। तो ट्रायल कोर्ट शुरू किया, हाई कोर्ट से किया या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट किया? सो 89 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट आए, नौकरी छोड़ी नहीं थी तब तक। उस समय मेरे पास करीब 6 महीना लीव बाकी था, तो 6 महीने तक यहाँ सिर्फ काम किया देखने के लिए, क्योंकि मैं तो स्टील बेच रहा था वहाँ पे, वहाँ पर मैं लीगल साइड में भी नहीं था, तो स्टील बेच रहा था। तो मेरे को लगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इतने साल लॉ से मैं अलग हूँ। तो 6 महीने सिर्फ मैंने काम किया, सिर्फ रिसर्च किया, ड्राफ्टिंग की, और उसके बाद जून ऑफ 90 में मैंने फाइनली रेजिग्नेशन दिया, और जुलाई ऑफ 90 से प्रैक्टिस एक्चुअल। सीनियर के बारे में बताइए, किसके साथ एसोसिएट हुए? मैंने स्टार्ट किया काम मिस्टर एलआर सिंह के साथ, और मेरा एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही अजीबोगरीब मेरा स्टार्ट था। मेरे गुरु हैं, वो हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, लेकिन उनको ये अच्छा लगता था कि मैं उनका केस बहस करूं, मेरे को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। तो वो ऑफिस में बैठे रहते थे, मैं उनका केस बहस करता था। तो जो एक प्रोफेशन में जो आदमी को बहस मिलता है 10 साल के बाद करने को, मैं डे वन से मैं बहस कर रहा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट जिस दिन खुला गर्मियों की छुट्टी के बाद, मेरा इन्वॉल्वमेंट हो चुका था, और मेरे को लग रहा था पता नहीं मैं बहस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पहले दिन उन्होंने 3 केस बहस करने को दिया, मेरा प्रोफेशन का पहला दिन, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने 3 केस बहस की। आपको याद है पहला केस कौन सा था? पहला केस भी याद है, जस्टिस वेंकट चलिया के सामने था, कोर्ट नंबर 6 में शायद बैठे थे वो। और चूंकि मैं नौकरी में इतने सालों से था, तो मैं उनको माय लॉर्ड के बदले सर सर बोल रहा था जी। तो बड़े आराम से सुना उन्होंने, और सुनने के बाद बोले, जवाब भी दिया सॉरी सर करके, फाइल उन्होंने आगे फेंक दिया। तो मैंने कहा सर आई हैव टू से समथिंग मोर, तो उन्होंने फिर फाइल उठा लिया, ओ आई एम सो सॉरी। वो बड़ा उनका मतलब बहुत ही मेरे को इज्जत उनके बारे में उनके साथ मिली थी उस केस में। रिलीफ तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी बुला के सॉरी सर करके फिर फाइल ले ली, फाइल ले करके फिर सुना, फिर दोबारा कहा सॉरी सर,
मेरे सीनियर पीछे से सुन रहे थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप सर सर क्यों बोल रहे थे, यहाँ थोड़ी बोला जाता है सर। मैंने कहा मैंने गलती हो गई, मैं तो नौकरी से आया हूँ, तो वो एक बैगेज था, यहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में टाइम लगता है, तो उस बैगेज के साथ चल रहा था, इसलिए वो मेरा वो सर वाला चलता रहा। सिंह साहब के साथ कितने दिन आप एज ए जूनियर? तो सिंह साहब के साथ मेरा एक अजीब रिलेशनशिप रहा, मैं उनके साथ फॉर्मल जूनियर तो कभी नहीं रहा, लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा रहा कोई करीब 8-9 साल तक, और उनके सारे केसेस में बहस करता था। कभी कभी वो हाई कोर्ट्स के मैटर जहां वो खुद जाते नहीं थे तो उनका ड्राफ्टिंग भी मैं करता था, वहां बहस भी करता था, सुप्रीम कोर्ट में तो बहस करता ही था। वो कौन सी स्किल थी जो सिंह साहब से आपको सीखने को मिली? सिंह साहब ने मेरे को बहुत सिखाया। सिंह साहब ने मेरे को सिखाया कि किस तरह से क्लाइंट से डील करना चाहिए। सिंह साहब ने किस तरह से प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में सिखाया। सिंह साहब ने किस तरह का रिसर्च होना चाहिए एक मामले में, जो एक तरीका होता है रिसर्च करने का, उसको उसका सिखाया मेरे को। बहुत सीखा मैंने उनसे, और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जो भी उस प्रोफेशन में हूँ उन्हीं के वजह से हूँ। अच्छा, शुरुआती दौर में मैं आपके आपके एक तरह से तमाम केसेस को देख रहा था। वैसे तो आपने कॉर्पोरेट में भी किया, इनकम टैक्स के भी किए, क्रिमिनल में भी किए, शिवानी भटनागर जैसा एक फेमस इंडिया का केस करा। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, ये शुरुआती दौर में किसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिला? देखिए, मैंने कभी भी चॉइस नहीं किया कि मैं किस तरह का काम करूँगा, मैंने चॉइस क्लाइंट्स पे ही छोड़ दिया। शुरू शुरू के करियर में मैं क्रिमिनल, मेरे को करने में अच्छा नहीं लगता था, तो मैं क्रिमिनल केसेस नहीं करता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कोई जानने वाले का क्रिमिनल केस आया, मैंने किसी को भेज दिया, फिर वो ठीक से हैंडल नहीं हुआ तो मेरे को दुख हुआ, फिर मैंने क्रिमिनल केसेस भी करना शुरू किया। और इसीलिए आप देखिए कि शिवानी भटनागर वगैरह कई मेरे रिपोर्टेड क्रिमिनल लॉ में भी हैं, नारकोटिक्स में भी हैं, हर क्षेत्र में मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट है। लेकिन अगर मेरे को वकालत का सबसे मज़ेदार केस बताएंगे अगर पूछेगा तो मेरा वो था जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जब मैं पोजिशन पर था और जस्टिस वाई के सबरवाल का बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो, 3 जजेस बैठे थे, और ये क्वेश्चन उठा कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी में किनको नियुक्त किया जाए, तो उन्होंने कोर्ट में मेरे को कुछ नाम पकड़ा दिए, बोले इनका आप नियुक्ति कर दीजिए। मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अधिकार है कि हम किसको नियुक्त करेंगे ये कोर्ट हमको डिक्टेट नहीं कर सकता, और उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आज तक मेरे सामने कितने अटॉर्नी जनरल आए हैं, कितने सॉलिसिटर जनरल आए हैं, किसी ने आज तक हमसे ये नहीं कहा कि हमको अधिकार नहीं है आपको बताने का, और आप हमको बताएंगे कि हमको अधिकार नहीं। हमने कहा कानून तो यही है, आपको इस पे मेरे को सुनना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट दिखाऊंगा कि आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, आपका दायरा बहुत लिमिटेड है, हमारा दायरा बिल्कुल अलग है, हम आपके दायरे में नहीं जाएंगे, आप मेरे दायरे में नहीं आएंगे। तो फाइनली वो माने मेरी बात, फाइनली फिर उन्होंने देखा कि नहीं, हाँ ये गलत कर रहे हैं, उनको एहसास हुआ। उस दिन जो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि एक, क्योंकि इत्तेफाक से पूरी मीडिया प्रेजेंट थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा फ्रंट पेज का हेडलाइन मेरे को फोटो में डाल करके वो सब, तो एक पूरे कंट्री में एक लगा कि कोई एक ऐसा आदमी है जो कोर्ट को उसका दायरा दिखा सकता है, तो वो एक मेरी एक छवि बन गई उस समय से। और उसके बाद दोबारा फिर जस्टिस पसायत के साथ भी ऐसे ही हुआ एक हादसा उनके साथ भी, जहाँ ये सीलिंग का मामला चल रहा था और जयपाल रेड्डी जी उस समय अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, उनका मेरे को मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया जिस दिन, तो उस दिन मैं था नहीं, मैं तिरुपति में था, मैं हर साल तिरुपति जाता हूँ, उस साल से मैं हर साल जा रहा हूँ। तो जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि विकास सिंह जी मेरे को आपकी बड़ी ज़रूरत है, ये बड़ा एक केस में बड़ी जाती हो रही है, मैं आपको चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो अभी हूँ नहीं, तो उन्होंने कहा आप कब आएंगे दिल्ली वापस, तो मैंने बताया, तो बोले ठीक है मैं एडजमेंट ले लेते हैं। उसमें भी जस्टिस पसायत एक ऐसा एक गलत तरीके से एक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें जो ऑथराइज्ड कॉलोनीज की बात है वो लाना चाह रहे थे, और उसमें चूँकि जिसका कि कहीं जिक्र नहीं था, ऑथराइज कॉलोनी में एक एरिया होता है मार्केट के लिए, एक एरिया होता है रेजिडेंस के लिए, पार्क के लिए होता है, अनऑथराइज कॉलोनी में तो कोई एरिया होता ही नहीं है, ना पार्क के लिए ना कोई मार्केट के लिए, तो अनऑथराइज कॉलोनी में भी तो लोगों को ज़रूरतें तो हैं ही, उनको भी दुकान चाहिए ही, तो वहाँ पर जो घर में ही बन जाते हैं दुकान, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ी भिन्न हैं, ऑथराइज कॉलोनी से बड़ी भिन्न है, और केस ऑथराइज कॉलोनी का चल रहा था। तो जब वो उस दायरे को बदलने लगे और बड़ा भारी प्रॉब्लम हो जाता दिल्ली शहर में, अगर उनकी जो बात अगर हम लोग मान लेते,
तो काफ़ी मैंने प्रोटेस्ट किया और जब वो मेरे को नहीं सुन रहे थे तो मैंने काफ़ी जोरों से कहा कि भारत सरकार को भी इस कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं मिलेगी तो इस कोर्ट का क्या हश्र होगा, क्या आम आदमी इसमें जस्टिस के बारे में सोच सकता है। तो वो भी बड़ा भारी इशू बना पूरे अगेन कंट्री भर में, उसको बड़ा लेकर के ये हुआ कि भाई हाँ कोई तो है जो कम से कम कोर्ट को बता सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ असल में प्रॉब्लम ज़्यादा ये है कि वकील लोग ही सरेंडर कर जाते हैं ये सोच के कि जज नाराज़ हो जाएंगे तो मेरे दूसरे केस में मेरे खिलाफ कर देंगे। इनफैक्ट मेरे को याद है उसी दौरान एक सुप्रीम कोर्ट जज ने मेरे से कहा कि विकास तुम गवर्नमेंट के लिए अभी लड़ रहे हो, कल को तुम हट जाओगे तो तुम जानते नहीं जजेस को, इनका बड़ा यूनियन है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चलने देंगे। तो मैंने उसी समय छूट के जवाब दिया कि मैं इस प्रोफेशन में किसी जज के बदौलत तो आया नहीं था, न दूर दूर से न मेरा कोई जज है न वकील है, जब जज ने मेरा बनाया नहीं तो मेरा बिगाड़ क्या लेगा। तो इसलिए वो साबित भी हुआ भगवान की दया से। सीनियर की क्या कहानी है, सीनियर डेजिग्नेशन कब हुआ आप? सीनियर डेजिग्नेशन मेरा हुआ 2004 में और 2005 में मेरे को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति मिल गई। तो एक बड़ा अच्छा टाइमिंग हो गया मेरा सीनियर डेजिग्नेशन के, तुरंत वो मिलने से एक क्या होता है कि ऑल इंडिया कैरेक्टर एक मिल जाता है, पूरे देश भारत में आपको लोग जान जाते हैं कि आप सीनियर डेजिग्नेट हुए हैं। तो जो ऑल इंडिया ब्रीफिंग एक मिलने वाली बात थी वो शुरू हो गई। बट एक मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा एक और पल है, वो है जो वकालत से रिलेटेड है, वो है कि एक बार पार्लियामेंट में मेरे को बुलाया गया था लेक्चर के लिए और उसमें मेरे को सब्जेक्ट था लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन टेररिज्म। तो उस लेक्चर में मैंने पहली बार ये अपने तरफ से निकाला कि अगर आप टेररिज्म को अगर आप पब्लिसिटी देने से मना कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली टेररिस्ट का क्या इंटेंशन है, कोई जिसको मार रहा है उसके खिलाफ तो कोई दुश्मनी उसकी है नहीं, उसका तो एक धमाका करने का इंटेंशन है, जितना बड़ा धमाका उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, उतने ज़्यादा उसके कॉज के बारे में लोग जानेंगे कि हाँ ये क्या चाहते हैं, ये अगर मान लीजिए अलकायदा है तो इनका क्या डिमांड है। तो वो बड़ा धमाका बड़े एस्टेब्लिशमेंट को गिराना, उतना ज़्यादा उसको पब्लिसिटी। तो मेरा ये मैंने ये उस पर याद किया जब अमेरिका में घटना हो गई थी उसके बाद इमीडिएटली बाद तो इंटरनेशनल डेलीगेट से उसको बुलाया गया था मेरे को लेक्चर देने के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा कानून बनाएं कि जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम पब्लिश ना हो और जो वो जिस जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिश ना हो। और उसको इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया, सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने मेरे से कहा कि ये क्यों नहीं कम्युनिटी पूरे विश्व क्यों इस बारे में नहीं सोच रहा है। इनफैक्ट उससे फिर मैंने कई आर्टिकल्स भी लिखे उस इशू पे और फिर मैंने भारत सरकार को एक कानून भी बना के दिया इस पे, क्योंकि मैं बीच में अबू सालेम में मेरे को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाया गया था और मैं जब ट्रायल में जाता था तो अबू सालेम को कवर करने के लिए 30-30, 40-40 कैमराज आ जाते थे। अब ये देखिए इस तरह की पब्लिसिटी ऐसे क्रिमिनल को होना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर उसको एक्विटल मिल जाए जी कोर्ट के द्वारा तो यही पब्लिसिटी यूज़ करके वो मंत्री या एमपी बन जाता है जी। तो मैंने उसी कानून में ये भी किया कि ऐसे लोगों को पब्लिसिटी ना दी जाए जो जिनका जब क्राइम से रिलेटेड केस चल रहा है, एक्चुअली दोनों तरफ से काम करेगा, जो जिसको इनोसेंटली फंसाया जा रहा है उसको भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाएगा और जो एक्चुअल क्रिमिनल है उसको भी उसका मीडिया ट्रायल से भी छूट मिल जाएगी तो वो सब मैंने कानून बना करके गवर्नमेंट को दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसी तरह से जजेस की नियुक्ति में मेरा बड़ा स्ट्रांग विचार है। जब मैं प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का तो लॉ डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए हुए थे, मैंने कहा जो नियुक्तियां हो रही हैं वो सूटेबल लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, बेस्ट की नियुक्ति नहीं हो रही। बेस्ट लॉयर को जज बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना उसकी प्रॉपर खोज है, ना प्रॉपर उसके लिए कोई चाह है, ना कोई मैकेनिज्म बनाया गया है। तो उसके लिए भी मैंने कानून ड्राफ्ट किया और मैंने भारत सरकार को दिया, लेकिन भारत सरकार ने आज तक उस पर कुछ भी नहीं किया। आपके बारे में मैं 15 साल से भी सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूं और आपके बारे में कहा जाता है विकास सिंह अगर कोर्ट में खड़े हैं तो पूरी दबंगई के साथ वो खड़े होते हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी लाउड वॉइस के साथ खड़े होते हैं। क्या ये एक बड़ा रीज़न था कि बार में आपकी लोकप्रियता इसके कारण रही? देखिए बार में लोकप्रियता तो इसके वजह से उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट हाँ ये थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है कि लोग सोचते हैं कि हाँ एक इंडिपेंडेंट आदमी है तो इसको प्रेसिडेंट का बार का प्रेसिडेंट बनाएंगे तो कम से कम जजेस से दबेगा नहीं।
लेकिन जो जो इसका जो टैग मेरा जो आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि कई कोर्ट में मेरे से वकील भी बोल देते हैं भाई आज किसकी तुम खैर लेने आए हो, तो ये जो टैग लगा इसलिए लगा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि अगर मैं कोई चीज़ पे स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ये इस कानून में ये इस तरह से जजमेंट आना चाहिए या इस तरह से इसका एक दिशा होनी चाहिए और कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं है, तो मैं रुकता नहीं हूँ, फिर मैं उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाता हूँ। लोग नॉर्मली एक हाफ हार्टेड देखते हैं, जज का मूड नहीं है तो रुक जाते हैं, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ और कई बार इसलिए जजेस मेरे से नाराज़ भी होते हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर मैं नहीं इसको बोलूँगा तो कहीं ना कहीं जुरिसप्रूडेंस गलत ले डाउन हो जाएगा और आगे की पीढ़ी के लिए भी बहुत एक समस्या हो जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, जब मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था तो एक ताजमहल का केस का चल रहा था मैं CISF के लिए था, सॉलिसिटर जनरल गुलाम बहानवती साहब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए थे, SB सिन्हा की खंडपीठ थी, 3 जजेस बैठे थे, तो कुछ मामला चल रहा था कि ताज में कैसे लोग घुसें और कैसे निकलें जो कि बड़ा एक स्मूथ एंट्री और एग्जिट हो। तो सॉलिसिटर जनरल ने वॉलंटियर कर दिया कि आई थिंक दिस माई लॉर्ड शुड मेक अ विजिट टू आगरा एंड सी हाउ दिस शुड बी डन, और जजेस उस पर विचार करने ही लगे थे कि मैं खड़ा हो गया, जबकि मेरा वो नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, मैं तो CISF के लिए था, मैं तो एक तरह से प्रोफॉर्मा पार्टी था। मैंने कहा कि आई डोंट थिंक माई लॉर्ड शुड डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये कुछ भी एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, इसके लिए लोग एक्सपर्ट होते हैं, हर फील्ड के आज के दिन में एक्सपर्ट हैं, और जजेस का कोई क्या एक्सपर्टीज है इस तरह के मामले में कि कैसे फ्लो पब्लिक का हो, कैसे नहीं हो, किधर से घूमे, कैसे निकले। तो जब मैंने बताया जजेस को तो मेरे से एग्री की फाइल ली और नहीं गई, लेकिन वही मैं मन में सोचता हूँ अगर मैं उस दिन खड़ा नहीं हुआ होता तो जजेस की टीम वहाँ चली गई होती, फिर वहाँ जा करके वो डिसाइड करते होते, फिर लौट के आते बोलते नहीं ये प्रॉब्लम आ रही, तो मतलब एक तरह का मॉनिटरिंग चालू हो जाता एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव काम में। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वकीलों की जो कॉम है ये कहीं ना कहीं अपना जो 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 लाइन है बना हुआ जुडिशरी का और सरकार का और एग्जीक्यूटिव का, जो वो लाइन ब्लर हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं हम लोग का भी रोल है कि हम लोगों ने सही टाइम पे जजेस को सही समय नहीं याद दिलाया, क्योंकि ये देखिए कोर्ट के फंक्शनिंग बड़ा अजीब है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। आज पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से भी कानून लाता है, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के उसको सेट असाइड कर सकते हैं, तो इनसे बढ़ के कोई नहीं है, ये सबसे ऊपर है, जो ये कहेंगे वो आखिरी है, प्राइम मिनिस्टर भी जो बोल दे उसके ऊपर भी ये बोलेंगे तो इनका ही माना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए इनको इनका जुरिसडिक्शन बताना हमेशा बहुत जरूरी होता है, इनको जुरिसडिक्शन में स्टेप कर जाए तो इनको बाहर चले जाए, दायरे से बाहर आ जाए तो इनको रिमाइंड करना जरूरी होता है, अगर हम रिमाइंड ना करें तो ये ज्यादा होगा। रिमाइंड करेंगे तो अभी भी जजेस बाय एंड लार्ज ऐसे हैं जो कि उनको मालूम है कानून तो यही है, लेकिन अगर आप एक मेरे को याद है एक सॉलिसिटर जनरल एक मामला खड़ा चल रहा था दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कि गाड़ियां कैसे आती हैं, सॉलिसिटर जनरल कोर्ट से कह रहे हैं कि आप एक ऑर्डर कर दीजिए कि वहां से गाज़ियाबाद से भी गाड़ी ना घुसे। मैंने कहा ये तो मन में मैंने सोचा ये तो मतलब अपनी सरेंडर करने वाली बात है, आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट है, आप नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, जो आप खुद कर सकते हैं आप कोर्ट से क्यों ऑर्डर कराना चाह रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम बनता चला जा रहा है कि कोर्ट को हर दायरे में जाने दिया जाए, हर दायरे में वो हस्तक्षेप करने लगे, वो बहुत गलत हो रहा है और इसको मेरे हिसाब से हम लोग को उसको बड़े सीरियसली देखना चाहिए। अच्छा चलिए बार के टेन्योर की बात कर लें, क्या रहा आप बड़े स्टेप क्या रहे जो आपको लगा कि वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स के लिए कुछ किया गया इस समय? बार के प्रेसिडेंटशिप में 2-3 चीज़ बड़ी अहम हुई। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के हैसियत से जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस 4 जजेस के, उसके बाद मेरे को याद है करीब 21 चैनल ने अपना प्रोग्राम छोड़ के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कवर किया, क्योंकि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई बहुत ही मेजर कोई डिसीजन हो तो सारे चैनल क्लोज रोक करके करते हैं। तो उस समय हम लोगों ने, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, मैंने कहा कि नहीं कहीं हम लोग को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए, और हमने एक स्टेप लिया और उस स्टेप पे सारी डिसीजन अल्टीमेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मानी और सारे बात को किए, लॉयर का मैटर भी हटाया वहाँ से हमने कहा रोस्टर होना चाहिए पब्लिक डोमेन, वो भी आया। तो जो जो चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई थी सबका हमने एक समाधान निकाला एज बार एसोसिएशन,
और उसको सबको इम्प्लीमेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया। उसी तरह से बार के मेंबर्स के लिए मैंने बहुत देखा कि जो जिनका चल जाता है उनको तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका नहीं चल जाता है, उनकी कभी अगर सडनली कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए, तो मैंने कहा कि जो हमारे जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कोई नहीं था, तो LIC चेयरमैन से मिल के मैंने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम स्पेशली बनवाया सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें कि हर एडवोकेट को एक बहुत नॉमिनल प्रीमियम पे डेथ पे 20 लाख रुपीज विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड, विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब उसमें हमने स्कीम ऐसा बनवाया है, खाली नाम उनका हमारे रजिस्टर में आ जाए, उस एज ग्रुप में हो, 25 to 65 के एज ग्रुप में खाली होना चाहिए, एंड उसका नाम पे अगर वो मरेगा तो उसको 20 लाख रुपया सीधे देगा बिना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के। तो इस तरह से हमने बहुत से काम किए जो कि वकीलों के हित में किए। चलिए, बार की बात हो गई, अब बेंच पे आते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 1990 से लेकर और 30 साल का करीब पीरियड आप सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन से जज थे या जजेस थे जिनके विजडम ने एक अलग तरह की छाप आपके मन में डाली? अगर एक जज का नाम पूछिएगा तो मैं उसको लूंगा, जस्टिस वेंकट चलैया। जस्टिस वेंकट चलैया का तो मैंने पहला केस तो आपको बताया अभी। जस्टिस वेंकट चलैया 93 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे, और मेरा एक मामला लगा था उनके सामने नोटिस के बाद, तो मैंने उनको बताया, बहस किया, वो मेरे से नहीं माने, फाइल डिसमिस फेंक दिया उन्होंने उठा करके। तो उस दिन मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने भी बोला कि भाई ये कवर्ड जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक इस पर विचार ऑलरेडी हो चुका है, और हम क्लाइंट को क्या बताएं कि आप इस केस में क्यों इसमें डिसएग्री कर रहे हैं, बिना आप कुछ रीजनिंग भी नहीं दे रहे, आप खाली फाइल उठा के फेंक दिया। जस्टिस वेंकट चलैया भी बिगड़ गए, बोले कि इस केस में हमको नोटिस ही नहीं करना चाहिए था। खैर, बात ख़त्म हो गई। 4-5 दिन के बाद मैं जस्टिस वेंकट चलैया कोर्ट में गया, पीछे में बैठा था बिल्कुल, 4 बजे का टाइम था, मेंशनिंग चल रही थी, उस समय शाम को मेंशनिंग होती थी। तो जैसे मेरे को देखा, उन्होंने कोर्ट में कोर्ट मास्टर से मेरे तरफ इशारा किया, तो मैं सोचा शायद पीछे कोई विजिटर्स गैलरी में किसी पर इशारा कर रहे होंगे। तो जैसे मामला ख़त्म हुआ कोर्ट का, कोर्ट मास्टर ने मेरा नाम लिया, तो मैं भाग के उड़ गया वहाँ। तो जस्टिस वेंकट चलैया ने कहा कि यू रिमेंबर 4 डेज बैक यू हैड आर्ग्यूड दैट मैटर बिफोर मी, माय लॉर्ड आई रिमेंबर, लेटर ऑन आई कॉल्ड फॉर द फाइल, आई रियलाइज दैट यू आर राइट, आई वॉज रॉन्ग, आई हैव रिकॉल्ड द ऑर्डर, द मैटर विल बी लिस्टेड अगेन। तो एक इस तरह का ह्यूमिलिटी होना इतने बड़े आदमी को, मैं बहुत जूनियर वकील था उस समय, 3 साल मेरे प्रोफेशन में हुए थे, उनको याद रखना, अच्छा शायद उन्होंने फाइल इसलिए बुलाया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चिल्ला दिया था, गुस्सा आ गया था जब वो डिसमिस कर रहे थे, तो मैंने शायद ऐसे ना बुलाते वो फाइल, तो उन्होंने फाइल बुलाया वापस, बुला करके देखा, रियलाइज़ किया कि गलती हुई है, रिकॉल किया ऑर्डर, पेपरों में पूरे हर कंट्री में सारे पेपर में आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिट्स मिस्टेक इन ओपन कोर्ट, रिकॉल्स ऑर्डर। इनफैक्ट मेरे को याद है, ये बात उन्होंने ओपन कोर्ट में बोली, ओपन कोर्ट में गई, और मेरे को याद है उस समय मेरे क्लाइंट ही होते थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे वहाँ, सरवर अली साहब पटना में, उनका शाम को फ़ोन आया मेरे को पेपर पढ़ के, भाई विकास कैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो बिना रिव्यू के कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखिए कायदे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रिव्यू पे ही होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पावर तो सुप्रीम कोर्ट ही है, जो चाहे वो कर सकता है। तो जब जस्टिस वेंकट चलैया रिटायर किए, तो उनके रिटायरमेंट में मैंने उनको पब्लिकली उनका पैर छू के मैंने उनका आशीर्वाद लिया। और कोई अगर दिमाग में आते हों तो? वैसे तो बहुत सारे जजेस हुए हैं, बहुत, एक हमारे बहुत दोस्त भी रहे जस्टिस वरियावा, वो भी ऐसे ही इंटेग्रिटी वाले आदमी, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया उनका तरीका अपना वो करने का। जजेस बहुत, जस्टिस नारीमन आज के दिन में है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट भी है, जस्टिस चंद्रचूड़ आज के दिन में है, बहुत से जजेस आए हैं, बहुत से जजेस अच्छे रहे हैं, बट एक आपने कहा, चूंकि तो मेरे को उनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था, तो मैंने कहा। विकास सर, कोई एक ऐसा केस जो आपको या तो आपने देखा हो या खुद किया हो, आपको ऐसा केस जो आपको लगता है कि ये एक ऐसा बेहतर एग्जाम्पल था जहाँ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ सेट हुआ, एक बेहतर वकालत हुई और एक बेहतर जजमेंट हुआ, कोई ऐसा केस अगर आपके जहन में आता है? एक केस को इस तरह से आइडेंटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ कई ऐसे केसेस ऐसे लगते हैं जहाँ पर कि जैसे जो ये उन्होंने किया, उसमें मैंने भी बहस किया था, जो वहाँ स्पीकर का जो डिसीजन हुआ था, वहाँ गवर्नर का जो डिसीजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश वाला, उसमें मेरे हिसाब से गलत लॉ मेरे हिसाब से बना, और
बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए या उसके एक डिस्क्रिशन का जो इज्जत होना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट क्यों सब पे कमेंट कर रहा है? क्योंकि वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई है नहीं इसलिए ना। बट अगर फाइनल ना होता तो दूसरे जो ऑर्गन्स हैं इनसे कोई कम नहीं है, वहाँ भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं। इनफैक्ट आज के दिन में जो प्रॉब्लम जुडिशरी के साथ है वो ये है कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ जजेस ऑफ रिसेंट टाइम में थोड़ा गिर रहा है। और इसलिए क्या होता है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए जो रिस्पेक्ट है वो घटता जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। और एक और जो केस जिसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ वो है एनवायरनमेंट पे, जहाँ एनवायरनमेंट पे कई अच्छे कदम भी ले जा रहे हैं बट कई ऐसे कदम लिए जा रहे हैं जहाँ करके अगेन जहाँ आपको जिस फील्ड का कोई ज्ञान नहीं है उस फील्ड में आप जा कर के ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, मतलब हज़ारों लाखों लोगों का लाइफ इम्पैक्ट कर जाता है और आपका जो ऑर्डर है उसका आपको समझ भी नहीं कि आपने क्या ऑर्डर पास किया। तो इस तरह के कई ऐसे हैं केसेस जिसमें कि बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे और उसमें जहाँ करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, जो एक अच्छा जजमेंट जो माना जाएगा इस फील्ड में वो एक शायद जब दिल्ली में CNG इम्पोज किया जस्टिस कृपाल ने, जो कि आपको याद होगा बहुत वो हुआ है कि भाई CNG कैसे होगा, पेट्रोल पंप नहीं है, CNG भरने का स्टेशन नहीं है। लेकिन उन्होंने जब एक डेट दिया, उस डेट को इम्प्लीमेंट किया तो कुछ सालों के लिए पोल्यूशन दिल्ली का काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी घटा था। अच्छा सर, अब निश्चित रूप से तो बार बेंच और वकालत की बात हो गई, अब मैं आपके एक ऐसे करेक्टर के बारे में आऊँगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है आपका टेनिस प्रेम। विंबलडन 1999, पूरी कहानी सर बताइए। ऐसा है, से प्रेम कब, कहाँ, कैसे? टेनिस से प्रेम जो आपका जिस दोस्त के बारे में मैंने आपको बताया, वो और हम लोग टेनिस ही खेलते थे। 10 साल की उम्र से हम लोग टेनिस खेलते थे, टेनिस की दोस्ती थी। उसके बाद हम जब दिल्ली आए तो एक इंटरनेशनल लॉन टेनिस क्लब है जिसमें इंडिया भी मेम्बर है, 40 कंट्रीज है मेम्बर। उस इंटरनेशनल क्लब के हम मेम्बर बन गए और उस इंटरनेशनल क्लब के मेंबर की हैसियत से फिर मैंने पूरे वर्ल्ड में टेनिस खेला। उसी में 99 में एक विंबलडन, जो यूनाइटेड किंगडम का 75वां साल था वो इंटरनेशनल क्लब का, तो वो अपने 75वें साल को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक टूर्नामेंट किया था और विंबलडन में होस्ट करते थे, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने मैं उस टूर्नामेंट में गया था। और जर्मनी से या इटली से हम लोग हारे थे, मेरे को आज भी याद है कोर्ट नंबर 14 में मेरा मैच हुआ था। एंड वो बड़ा ही अद्भुत एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि विंबलडन जो है वहाँ पे किसी को खेलने की इजाज़त नहीं है, और सेंटर कोर्ट जो विंबलडन है, जहाँ आपको सबको, हम लोग वहाँ नहीं खेले, वहाँ तक कोई खेल ही नहीं सकता है। अगर इंग्लैंड वर्ल्ड उसमें डेविस कप के फाइनल में भी खेल रहा होगा और इंग्लैंड में मैच हो रही होगी तो सेंटर कोर्ट पर नहीं खेल लेते थे, वो सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान खेल लेते थे। इसलिए वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत है कि उस विंबलडन के कोर्ट्स पर जाके खेलना और वहाँ पर के जिसमें जो रेगुलर कोर्ट्स होते हैं जिसमें कि टूर्नामेंट होता है उसमें खेलना। और उसके बाद फिर मैं उसी इंटरनेशनल क्लब का फिर प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट की हैसियत से फिर मैं वहाँ प्रेसिडेंट्स बॉक्स, फ्रेंच ओपन के प्रेसिडेंट्स बॉक्स में भी इन्वाइटेड हुआ और विंबलडन में भी इंटरनेशनल बॉक्स में हर साल इन्वाइटेड होता था, जो कि एकदम रॉयल बॉक्स के जस्ट ऑपोजिट वाली सीट होती थी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है सेंटर कोर्ट में। तो एक बना रहा, अभी भी खेलता हूँ, अभी भी हफ्ते में या 10 दिन में एक बार जरूर खेलता हूँ। करीब एवरेज 2 दर्जन मामलों देखने के बाद आपको टाइम कैसे मिल जाता है? ऐसा है, ये जो है एक बड़ी अजीब चीज़ है, लोग कहते हैं टाइम कैसे मिलता है। मेरा तो ये आंसर ये है कि अगर आपको कोई कहे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल भराने का टाइम नहीं है, मेरा तो ये पेट्रोल है। जो आज के दिन में जिस दिन मैं टेनिस नहीं खेल पाऊँ उस दिन मैं जिम चला जाता हूँ और जिम में या स्विमिंग कर लूँ या जिमिंग कर लूँ, तो जब मैं जिम से लौटता हूँ तो लगता है कि मेरा नया दिन स्टार्ट हो रहा है। जो दिन भर की थकान है खत्म हो जाती है, 1-2 घंटा जो बीच में मैं निकाल लेता हूँ, तो पहले टेनिस में रोज़ निकालता था, आजकल नी थोड़ा ट्रबल दे रहा है तो रोज़ नहीं टेनिस खेल पा रहा हूँ, लेकिन हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर खेल लेता हूँ, बाकी दिन में अपना, तो ये टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए तो कोई और उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अगर डी नंबर गेट से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह अगर निकल रहे हों और 20-22 साल का लड़का, तो कोर्ट नंबर 1 में पहुँचने कि अगर दोनों की रफ्तार देखेंगे तो सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जरूर पहुंच जाएंगे, ये मैंने देखा है, इसका राज क्या है? इसका वही बहुत मेहनत है।
आजकल तो मैंने योगा भी बहुत स्टार्ट किया है और डेढ़ डेढ़ घंटा योगा करता हूँ मैं, एक योगा टीचर भी आते हैं। तो इसको एक एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं। मेरे को याद है मेरे बेटे का शादी जब हुआ, बड़े बेटे की शादी थी, रिसेप्शन रिसेप्शन में मैं था स्टेज पे, अमिटी वाले मेरे क्लाइंट थे, वो मिलने आए, उस समय मेरे मेरी आवाज़ चली गई थी बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा बोलने से, जो कभी कभी नहीं हो जाता टेम्परेरली। तो वो बेटे से जब मिल रहे हैं, साथ साथ आशीर्वाद दिया और मेरी आवाज़ नहीं निकली, तो उनका अगले दिन केस था। वो अब भूल गया कि मेरे बेटे का रिसेप्शन है, वो कह रहे अरे मेरे केस का क्या होगा। तो इसलिए हमारे वकीलों का ये जो एक लिमिटेशन है कि एक दिन भी अब बीमार पड़ जाए हमारे क्लाइंट छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए वो एक हेल्थ के लिए आपको एक अपना एक इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना पड़ता है, और जो उस बात को कहीं नज़रअंदाज कर जाता है तो फिर उसकी बड़ी उसकी बहुत उसको भुगतना पड़ता है। चलिए अब लास्ट में जो लाखों की संख्या में लॉ स्टूडेंट हैं या परसुइंग हैं या बडिंग अभी लॉयर्स हैं जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज आपके 30 साल के अनुभव का क्या है? देखिए मेरा सबसे बड़ा जो उनके लिए मैसेज है कि इस प्रोफेशन में, और ये ब्यूटी है इस प्रोफेशन का, कि आपका कोई लिंक ना हो, कोई भाई बाप ना हो, कोई गॉडफादर ना हो, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आपको कोई ना बहुत जल्दी लोग देख लेते हैं और बहुत जल्दी रिकग्निशन है। और इस रिकग्निशन का जो जो सेटिस्फैक्शन है इस प्रोफेशन में, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। तो मेरे को क्या देखा है यंगस्टर्स में आजकल, कि पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आज लोग मेरे को देखते हैं एज अ सक्सेसफुल लॉयर, बट मैं किसी ने मेरा स्ट्रगल पीरियड नहीं देखा है। जब मैं नौकरी छोड़ के आया था, मेरे दो छोटे छोटे लड़के थे, मैं तिरुपति हर साल जाता था, उस समय पैसा नहीं होता था, मैं 3 tier में दिल्ली से चेन्नई 36 घंटे का सफ़र मैं 3 tier में मैंने किया है, 2 साल किया है, और वहाँ से फिर बस में जाना तिरुपति और बस से तिरुपति जाके दर्शन करना। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड में, ये सब स्ट्रगल पीरियड के दिन का है, जो उस समय मेहनत किया, रात रात भर काम किया, उसी से आज जो भी हूँ वो हूँ। तो ये मैसेज है आज के बच्चों के लिए कि अगर आप मेहनत करोगे, दिल लगा करके काम करोगे, तो इस प्रोफेशन में रिकग्निशन 100% है। क्योंकि मेरे को लगता है, इनफैक्ट जब मैं प्रोफेशन में आना चाहता था तो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल लाल नारायण सिन्हा जी के पास मैं गया और लाल नारायण सिन्हा जी से कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। हम लोग से फैमिली से जानने वाले थे और मैं रिज़ाइन करके वकालत करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आ जाइए। फिर मैंने कहा कि लेकिन हजूर भीड़ बहुत है इस प्रोफेशन में, तो इसमें मैं तो बहुत साल से लोहा बेच रहा हूँ, मैं कैसे इसमें कर पाऊँगा कि नहीं। तो उनका एक स्टाइल था, ऐसे हाथ रखते थे, तो लाल बाबू ऐसे ऐसे हाथ करते रहे और करके उन्होंने मेरे से कहा कि भीड़ नीचे है, ऊपर खाली है। ये लाइन मेरे को कभी नहीं भुलाता है, और यही मैं आज के बच्चों को बोलूँगा कि इस प्रोफेशन में जो भीड़ है वो नीचे है, ऊपर खाली है। जो भी अगर कोई मेहनत करने को तैयार है, कुछ एक्स्ट्रा करने को तैयार है, उसके लिए ऊपर बहुत जगह है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। 30 साल का जो अनुभव है, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अभी बताया कि नीचे बहुत भीड़ है, ऊपर बहुत खाली है, जितना मेहनत करेंगे ऊपर उतना बढ़ते जाएंगे, उतनी ही सफलता प्राप्त करते जाएंगे। तो फिलहाल लीगल लीजेंड के इस कार्यक्रम में आपने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह को सुना, और लगातार हम इसी तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर एडवोकेट्स और जजेस से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन रविकांत के साथ विप्लव अवस्थी।